ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه السلام انتهى قابل قدر معزز حفاظ علماء اکرام محترم بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطبہ مسنونہ میں دو الگ الگ آیات کا کچھ حصہ آپ حضرات کو سنایا گیا ہوں. قرآن فہمی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا اس کے رسول کا کلام نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک بیماری ایک عارضہ امت مسلمہ کو لاحق ہو گیا ہے. وہ بیماری یہ ہے کہ دین کا کام کرنا اللہ کا یا اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ایک مخصوص طبقے کا کام ہے یہ تصور آ گیا ہے. یعنی جس کے سر پر پگڑی ہو ہاتھ میں تسبیح ہو لمبا جبہ پہنتا ہو پائنچے اوپر ہوں یا حافظ یا عالم یا داعی کا لقب اس کو لگا ہوا ہو تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دین کا کام کرنے والے ہیں. قرآن مجید کی آیات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو سوچ ہے ہماری وہ سوچ انتہائی درجے کی غلط سوچ ہے، پرلے درجے کی جہالت ہے. جو انسان قرآن کو پڑھنے والا اور تفسیر میں بیٹھنے والا درس قرآن کے سننے کا عادی ہوتا ہے وہ لوگ تو آیت پڑھتے ہی سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو کہا کن تم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. اگر کوئی کسی کے اندر کوالٹی نہ ہو، کوئی اچھی بات نہ ہو، کوئی صفات نہ ہو، اس کے باوجود اگر کوئی دوسرا شخص اس کی تعریف کرتا ہے تو لوگ اس کو تعریف نہیں کہتے، چاپلوسی کہتے ہیں. بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ چاپلوسی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ صفات اس کے اندر نہیں ہیں، ان صفات کا وہ حامل نہیں ہے، ان صفات سے متصف نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے. تو دیکھنے والا ہر شخص کہے گا کہ یہ جو تعریف کر رہے ہیں انہوں جو ہے نا خالی خالی کر رہے ہیں، ایسا آدمی نہیں ہے، یہ صفات اس کے اندر نہیں ہیں،
इसको उससे कुछ तो भी काम होगा। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह ताला तारीफ कर रहे हैं, एक आम इंसान की बात नहीं चल रही। अल्लाह ताला तारीफ फरमा रहे हैं, कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह, हम बेहतरीन क्यों हैं? आप खामुखा की तारीफ कर रहे हैं क्या? अरे बोलो ना, क्या बोलो? बेहतरीन होंगे तो किसी सिफत की वजह से अल्लाह ने बेहतरीन कहा होगा ना, कि नहीं यूं ही बिला वजह कह दिया अल्लाह ने? कोई तो बात होगी जिससे अल्लाह ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, वजह भी बयान फरमाई, निकाला गया है लोगों की नफा रसानी के लिए। लिल मुस्लिमीन नहीं, लिल मुमिनीन नहीं। क्या फरमाया? उखरिजत लिन्नास, लोगों की नफा रसानी के लिए निकाला गया है। इससे ये पता चलता है कि इंसान सही माना में मुसलमान ही उस वक़्त होता है जबकि उससे लोगों को दीन का या दुनिया का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, तभी वो खैर उम्मत है, वरना वो खैर उम्मत नहीं है। क्योंकि हमारे बनाए जाने का मकसूद, हमारे बपा किए जाने का, बरपा किए जाने का, हमारे इस दुनिया में आने का मकसूद अल्लाह बता रहे हैं, उखरिजत लिन्नास, तुमको तो हमने लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाला है। निकाली गए हो तुम लोगों की नफा रसानी के लिए। अगर हम लोगों की नफा रसानी का काम नहीं कर रहे हैं, दीन के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से भी, तो हम खैर उम्मत कहलाने के लायक नहीं हैं। खैर उम्मत उसको कहा जाता है जो लोगों की नफा रसानी के लिए अपना काम, अपना वक्त, अपनी जिंदगी का हिस्सा वक्फ करे। इसीलिए तो अल्लाह ने मुझे और आपको भेजा, इसीलिए तो मुझे और आपको बर्पा फरमाया, इसीलिए तो मुझे और आपको इस दुनिया में अल्लाह ने प्रकट किया, ताकि हम लोगों की रहबरी का, लोगों की इमामत का, लोगों के लिए जो है सदाकत का, लोगों के लिए हिदायत का काम कर सकें। लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देते हैं और मुनकरात से रोकते हैं। खैर उम्मत किसको कहा अल्लाह ने? लोगों की नफा रसानी के लिए निकले। नफा रसानी में सबसे बेहतर नफा लोगों को अमर बिल मारूफ करना है। अमर बिल मारूफ कहते हैं अच्छाई का हुक्म करना, उसको अमर बिल मारूफ बोलते हैं। अमर बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ बोल के सुने होंगे कितने की बार, लेकिन अमर बिल मारूफ किसको बोलते हैं कुछ नहीं मालूम अपने को। या मुरून बिल मारूफ के माने हैं अमर बिल मारूफ करना। अमर बिल मारूफ किसको कहते हैं? अच्छे कामों का हुक्म करना। अच्छे कामों का हुक्म आदमी उस वक्त में दे सकता है जबकि अपने अंदर अच्छी सिफात हो। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में बॉटल है, देसी ठर्रा मैंने पकड़ा हुआ है, शराब खाने में बैठा हुआ हूँ और सामने बैठे हुए शराबी से पी कह रहा हूं, बाबा शराब पीना बुरी बात है, मेडल देगा आपको? अरे बोलो ना प्यारो। वो कहेगा साहेब पहले आप छोड़ो। आधी से ज्यादा कौम अमर बिल मारूफ इसलिए छोड़ चुकी है क्योंकि उन्हें यकीन है कि हम खुद अमर बिल मारूफ पर अमल नहीं करते, क्योंकि हम खुद भलाई और खैर नहीं करते, और इस डर से उन्होंने अपना जिम्मा, अपना फरीजा छोड़ दिया जो अल्लाह ने फर्ज फरमाया था। दावत इल्लाह फर्ज है, याद रखें, याद रखें। बस जैसे रोज़ा फर्ज है, नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, पर हज फर्ज है साहब इस्तेदात पर, इसी तरीके से दावत इल्लाह, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, ये भी फर्ज है, फर्ज है। आधी से ज्यादा कौम ने यह काम छोड़ दिया, बल्कि अगर यूं कहा जाए पौनी से ज्यादा कौम ने यह काम छोड़ दिया तब भी अजब नहीं है। लेकिन मैं आदि इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि मुसलमानों के बहुत सारे तबकात ने अपने अपने तौर पर काम करने की कोशिशें की हैं। किसी ने दावत तबलीग के जरिए से, किसी ने मसलक बरेलवियत के जरिए से, किसी ने मसलक देवबंदियत के जरिए से, किसी ने जमात इस्लामी के जरिए से, किसी ने दावत इस्लामी के जरिए से, किसी ने अहले हदीस और सलफियत के जरिए से,
हर शख्स ने अपने अपने तौर पर अल्लाह की पहचान कराने की कोशिश की है। अब ये तो वहीं पता चलेगा कि जो है हमारा अमल कैसा था, खालिस था, खरा था कि नहीं था, ये तो वहीं पता चलेगा साहब। यहाँ पर इंसान ज़ाहरी अहवाल और कवायद के मुताबिक एक दूसरे को मुसलमान और काफिर कहते फिरते हैं, लेकिन हकीकत इतनी सी बात याद रख लेने की है, जब तुलेंगे अमल अपने मीज़ान पर तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। यहाँ बोलो आप एक दूसरे को शेख साहब बोलो, अल्लामा साहब बोलो, हफीज़ाउल्लाह बोलो, दामत बरकातुम बोलो, हाजी साहब बोलो, पीर साहब बोलो, मुर्शिद साहब बोलो, क़िबला साहब बोलो, काबा साहब बोलो, बस वो यहीं तक के वास्ते है, आगे के वास्ते नहीं है। वो अल्लाह के पास ये उसूल नहीं, जिसका अमल सही होगा वहाँ पर उसी का अमल तोला जाएगा। जब तुलेंगे अमल अपने मीज़ान पर तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन।